मिर्जापुर में 26 अप्रैल को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। जनपद के कुल 1118 मतदान केंद्रों के कुल 2838 मतदेय स्थलों को 19 जोन एवं 137 सेक्टरों में बांटकर निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी की गई है। मिर्जापुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन लगा है निर्विघ्न चुनाव कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को बैलेट पेपर बॉक्स और कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्हें इस बार मास्क व सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराया गया है। चुनाव के लिए मिले कागजातों को चेक करने के बाद पार्टियां सरकारी स्तर पर मुहैया कराए गए वाहनों से पोलिंग बूथ के लिए रवाना होंगी। कोविड के दौरान ड्यूटी जाने वाले लोग भीड़भाड़ के बीच ज़्यादा सतर्क रहें। मिर्जापुर से नितिन अवस्थी की रिपोर्ट। पूरन चंद द्विवेदी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कराने जा रहे हैं, क्या ड्यूटी लगेगी? मैं पीठासीन अधिकारी हूँ, और मतदान कराने के लिए हम लोग जो है सिटी ब्लॉक में ड्यूटी लगी है, नेवरिया घाट जो है कोल्हा प्राथमिक पाठशाले पर। क्या क्या यहाँ से ले जा रहे हैं? यहाँ से हम लोगों को मतदान पेटिका मिल रही है, मतपत्र मिल रहे हैं, उसके अलावा जो अन्य स्टेशनरी सामग्री होती है, सील मोहर ग्रीन पेपर वगैरह ग्रीन सील वगैरह सारी वस्तुएँ जो है हम लोग यहाँ से लेंगे, उसको चेक करेंगे, उसके बाद चेक करने के बाद फिर हम लोग जो बस निर्धारित बस है उसके द्वारा हम लोग अपने नियत स्थान पर प्रस्थान करेंगे। कोरोना के लिए कुछ मिलेगा? हाँ, अभी समान में हम लोगों को बताया जा रहा है कि इसमें सैनिटाइजर के भी उपलब्ध कराया गया है, लेकिन हम लोग स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए अपना सैनिटाइजर मास्क या जो भी प्रिकॉशनरी मेजर है सब हम लोग स्वयं अपना रहे हैं, क्योंकि कोविड महामारी को देखते हुए हम लोग का भी दायित्व है, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रहेगा सिस्टम, उसमें अपने को बचाते हुए काम संपादित करना है। क्योंकि जी कौन सा चुनाव कराने जा रहे हैं? हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उसको कराने जा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए।